सी कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि थानू पता है बीजेपी ने एक्ट पास 50 किलोमीटर का एक्ट किया तो उन्होंने सपोर्ट करनी करनी है क्योंकि हम बीजेपी ना अभी तो पहले भी कहा कि पिछले 5 साल तो बीजेपी ना सपोर्ट सी तो हूँ सामने सामने है जो पिछली बार भी बीजेपी के कार्डर ने अपने ना विधानसभा से इलेक्शन भी उन्होंने मदद की थी ताइयो एकदम साढ़े घट तो घट 25-26 सीटा से साढ़े 1000 वोट तो घट असी की हार हुई। मैं राजपुरा अज मिले व्यापारियों मिले मैं इंडस्ट्री मिले मैं लेबर मिले मैं रेहड़ी वाले मिले इतने बड़ा दहशत का माहौल है जोड़े इतों का कांग्रेस का MLA है वो इन्ना गुंडागर्दी कर रहा जिहड़ा आवाज़ उठाउंदा है उसके परचे किए जाते हैं ऑफिशियल मशीनरी मिसयूज़ किया जा रहा इतों का कांग्रेस का MLA महीना लैंदा सारी चीज़ों तो ड्रग्स रेत माफिया सारा कुछ हुणी उहदी अपनी जाली शराब की फैक्ट्री फड़ी गई जा उहदी अपनी जाली शराब की फैक्ट्री फड़ी गई एक MLA की अपनी फैक्ट्री जरा भी जाली होए तो इतने कसीनो भी खोले पे हैं इलीगल महीना लैन वास्ते ए तो माड़ा MLA कोई हो नहीं सकता तो लोगों ने मैं दसी गल्लां सुन के हैरान हो जाओगे कि आ हो रहा इतने कुछ इन्ना माड़ा काम हो रहा जिहड़ा कोई कह नहीं सकता। मैं उही कह रहा कि वह BJP ना पहले तो रलिया सो BJP की गल बोली तो बोलनी उन्होंने मैं चन्नी साहब नूं बेनती करदा कि इस BSF के मामले 50 किलोमीटर मामले ड्रामे करने बंद करो विधानसभा का रेजोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है तुसी कैबिनेट अपनी कैबिनेट पास करो तो डायरेक्ट करो पंजाब पुलिस नूं कि कोई BSF का इंटरफेरेंस अलाउ नहीं की जाऊ कैबिनेट रेजोल्यूशन होना चाहिए उत्थे विधानसभा का रेजोल्यूशन पार के तुसी भेज दोगे कैबिनेट क्यों नहीं करे। मैं जे सिंसेयर है क्योंकि अपना जो चन्नी है आप रलिया आप मंजूरी देखे आया है जे सही मैंने तो चन्नी अपने आप को दो तो अपने आप कहना चाहता कि मैं हक चाहे तो इमीजिएटली असैम्बली तो पहले पंजाब कैबिनेट पहले पास करे कि आ जरा 50 किलोमीटर का असी डायरेक्ट करते हैं होम डिपार्टमेंट नूं ते पंजाब पुलिस नूं कि BSF की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए पंजाब कैबिनेट करे उहदे बाद कैबिनेट डिसीजन असैम्बली लिखे है कल्ले असैम्बली लियाउणा ते अक्खां च मिट्टी पाउणा है। वादे उन्होंने पता है कि 2 महीने बाद सरकार चले जानी है पैसे की देने की लोड़ ही नहीं क्योंकि पैसे तो निकलने नहीं 2 महीने तो इस करके जिवें कैप्टन ने झूठे गुटका साहब की झूठी सौ खाई दी सी चन्नी साहब झूठे वादियां ते लगे है तो इस करके इररिस्पोंसिबल चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब बने बैठे है उन्होंने आप ही कोई उन्होंने विधायक ही नहीं मानते चीफ मिनिस्टर हूँ सुखी रंधावा अपने आप को सुपर CM समझा है नवजोत सिद्धू अपने आप को CM समझा है नवजोत सिद्धू मानता ही नहीं चन्नी साहब के फैसलों को तो हालात की है पंजाब के हूँ कोई 4.5 साल हो गए वो कैबिनेट के मंत्री सी उदो की किसी ने उन्होंने आवाज उठाई अज झूठे इश्तहार दे के जी 1 लाख करोड़ की फैक्ट्रियां सारे झूठे इश्तहार है सारे झूठे इश्तहार है ना उन्हें एक ना नहीं दस सकते। पिछली बार भी मैं पूछा सी कैप्टन साहब ने उदो भी झूठे इश्तहार दिते सी जो कहा सी मैं 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो मैं चन्नी साहब ने पूछा सी तो उन्होंने कहा कल्ला पैचवर्क किया हुण भी सारे झूठे इश्तहार है खजाने का पैसा लुटी जाते हैं लोगों का गुमराह माइंड गुमराह कर रहे हैं कर कुछ नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट समिट आ इन्वेस्टमेंट समिट इन्होंने मैं आप अफसर ने दसिया इन्होंने इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट बुला के गया कि तुसी कहो कि मैं 2000 करोड़ लाऊंगा तुसी कहो मैं 1000 करोड़ लाऊंगा तुसी कहो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट ने आप किया मैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट का ना है मैं उन्होंने पूछा कि ला रहे हो कहिंदा जी असी कुछ नहीं ला रहे सानू तो क्या गया कि सानू इन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कि ना लो साढ़े 4 साल तो मैं कोई देखे नहीं बंदा तुसी कोई राजपुरे कोई बंदा देखा होंगे इन्हों की गड्डी आया
पूरे पंजाब साढ़े चार साल तक दिखा नहीं, थोड़ी महीने च पता नहीं की एक एक नवी चीज आ रही है, एक फोकल पॉइंट नहीं बनाया। मैं हुणी अमृतसर गया सी, एडा एडा घा खड़ा सी फोकल पॉइंटा ते, सड़कां टुटियां पईयां। असीं जल्दी जल्दी अनाउंस करांगे। आ तां आ रोज दा काम है कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दा, ते रोज आ जांदे आ, रोज खड़ जांदे आ झंडे बंदे, मैनूं कोई फर्क नहीं। मैं तो कहना काले कानून सारे वापस करा के आन, 800 जाना चले गई हैं, कोई ऐसा ड्रामा ना कर जिद न 800 लोग जो मारे गए हैं उन्होंने परिवार सवाल पूछन कि साड़िया जाना का मुल की होया। मैं इन्ना कहना चाहना राजपुरा शहर नू मोहाली वांगू डिवेलप करांगे, जमा सैटेलाइट टाउन और मोहाली बनाऊंगा।